भगवान भरोसे मनिका वार सब स्टेशन रीवा जिले के रायपुर करचुलियान तहसील अंतर्गत मनिका वार सब स्टेशन का संचालन बद से बदतर तरीके से चलाया जा रहा है। मनिका वार सब स्टेशन के चारों तरफ ना कोई बाउंड्री है और ना ही तार फेंसिंग है। कभी भी किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है स्टेशन। वहीं सरपंच सोहन लाल द्वारा बताया गया कि गांव में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसमें ट्रांसफार्मर का तेल खत्म हो चुका है। बिजली विभाग के लाइन मैन के द्वारा सरपंच को बताया गया ट्रांसफार्मर के तेल की क्षमता 25 से 26 लीटर होती है और उसमें 5 से 6 लीटर ही तेल बचा है जिससे ग्रामीणों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती। सरपंच पद में होने के कारण गाँव के सभी लोग उसके पास शिकायत लेकर जाते हैं और जब वह बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकारी या तो फ़ोन नहीं उठाते या फिर बता देंगे कि जिले के अंदर ट्रांसफार्मर का तेल नहीं है। पिछले 2-3 महीने से लगातार सरपंच सोहन लाल सिंह के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा इसकी शिकायत विद्युत विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही है लेकिन अधिकारियों के कान में कोई सुनाई नहीं हो पा रही। सोहन लाल सिंह द्वारा यह भी बताया गया कि तेल कम होने के कारण कभी भी ट्रांसफार्मर जल सकता है जिससे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और ग्रामीण के घर की रोशनी चली जाएगी। आइए दिखाते हैं क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। आइए, आपका नाम क्या है और किस पद में है? मेरा नाम सोहन लाल सिंह है, मैं गाँव हिनौती का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं इस गाँव का सरपंच भी हूँ। जी, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है गांव से? प्रॉब्लम ये आ रही है, आपके पास जो फरियादी आए हुए जो आए थे फरियादी, वो बेचारे हमसे दूसरे तीसरे दिन रोज मिलते हैं, रोज यही रोना रोते जी कि साहब हमको लाइट नहीं मिलती जी, लाइट भी मिलती है तो हमारा मोटर नहीं चलता जी। तो मेरे पास वो आए, मैं जाके मनकवार में बात किया। मनकवार के अलावा जो अधिकारी हमारे पास जिनके पास हमारा फ़ोन नंबर है उनसे मैंने बात किया तो आश्वासन भर देते हैं, करते कुछ नहीं। जब यहाँ ट्रांसफार्मर का तेल नहीं खत्म हो रहा है जी, उसके लिए मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि रीवा जिले में तेल नहीं है जी, और इतना कहकर उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। किससे बात हुई थी इसके लिए? मिस्टर सोन उनसे बैन साहब से जो इस वर्तमान समय में डी है, तो डी साहब ने इतना बात करके फोन काट दिया। इसके बाद जब दोबारा प्रयास किया आपने लगाने, लगा ही नहीं जी। जो यहाँ पर उनके जगह में जी सहायक यंत्री आए हैं जी, उनका सरनेम है सलाम जी, ऐसा मैंने सुना है जी। मैंने 2-3 दिन उनसे प्रयास किया फ़ोन से बातचीत करने का जी, फुल घंटी गई, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया जी। फिर मैंने बात किया ऑफिस में, मनिकवार डीसी के ऑफिस में जी, कि भाई अगर सलाम साहब आएँ तो मुझे आप बताइए तो मैं सलाम साहब से खातिरदारी करने के लिए आ जाऊँगा, मैं उनसे बात करूँगा। तो न ये बताते हैं और मेरे ख्याल से वो आए भी नहीं जी। जी, अगर आए तो इन लोगों ने बताया नहीं और अगर वो नहीं आए तो नहीं आए। कितने दिनों से ये ट्रांसफार्मर का तेल कम है? अरे 2 महीने से। 2 महीने से लगातार आपके पास आप अधिकारियों से बात कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। और आप गैर जिम्मेदारा जवाब देते भाई, आप गाँव के गैर जिम्मेदारा जवाब देते हैं। अरे जब किसान पैसा जमा करता है जी, घर का जमा करता है, पंप का जमा करता है, उसको तो बिजली मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जो शेड्यूल रेट है गवर्नमेंट का कि 10 घंटे आपको 3 फेस मिलेगी जी और बाकी 24 घंटे आपको सिंगल फेस मिलेगी जी, जी। तो ना हमको, हम लोग किसानों को ना सिंगल ही मिलती और ना 3 फेस ही मिलती जी जी। रात को बिजली आएगी फिर कट जाएगी, बताइए अंधेरी रात में 12 बजे रात तो तुमने बिजली काट दिया, कौन जाएगा मोटर चलाने जी जी। बिल्कुल, बताइए नाम का है अपना के? रामचंद्र सोंधिया। सोंधिया जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके गांव में? आज ये है कि ट्रांसफार्मर में तेल नहीं है, आज अब लाइट भी नहीं जल। कितने दिन से ट्रांसफार्मर खराब में तेल नहीं है, खराब जल रहा है? अरे आज 2-3 महीने से। तो इसके लिए आप किसके पास जाते हैं बताने के लिए? सरपंच साहब का। अच्छा, तो सरपंच साहब क्या बताएं? कहाँ कि अब हम तो गए हुआ तो बोले कि नहीं होगा, आज आएगा कल आएगा, ये मैं बताते हैं एक हफ्ते में आएगा। अच्छा, अभी तक आया नहीं। आप लोग किसान भी हैं? हाँ किसान है। तो हाँ। मोटर चलते नहीं होंगे कि चलते हैं? चलते, मोटर नहीं चलते हैं, थोड़ी लाइट आई एक मिनट फिर चली गई, फिर आई फिर चली गई। अच्छा, चलिए ठीक है।